हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और उसको हम क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि यदि वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसका दोनों कंपोनेंट आई मीन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एक्स कंपोनेंट निगेटिव होगा वाई कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों क्या होगा निगेटिव होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा एंड वाई कंपोनेंट क्या होगा निगेटिव होगा। इस चीज के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट के टर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इंटू क्या होगा जे कैप, ऐसे मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि कंपोनेंट हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। एक और मैंने पॉइंट बताया था कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। आई मीन किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है ऑलवेज क्या होता है स्केलर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी वेक्टर का मतलब क्या होगा चेंज इन डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन क्या हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स है, तो हम उसको क्या बोलेंगे स्केलर बोलेंगे। इवन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या हो डायरेक्शन एसोसिएटेड हो। तो उसी तरह जब आप कंपोनेंट रिजल्व करते हो तो एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग उस वेक्टर का इफेक्ट क्या है। तो आई मीन फिक्स हो गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो इफेक्ट है वो क्या हुआ फिक्स हो गया। वो जो दिया हुआ है वो किधर है एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसको वाई एक्सिस के अलोंग आप नहीं सोच सकते हैं, उसको जेड एक्सिस के अलोंग आप नहीं सोच सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस वी कांट चेंज द डायरेक्शन। तो इसलिए जब भी किसी भी क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या होगा फिक्स होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे स्केलर बोलेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, और आई थिंक आप लोग को एक न्यूमेरिकल भी दिया था तो पता नहीं आप लोगों ने उसको कैलकुलेट किया या नहीं। देखो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये क्या है, ये वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस है, एंगल मुझे आई थिंक याद नहीं है। ये वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर आई थिंक वेक्टर बी था, ठीक है, जो एंगल आई थिंक कितना था 60 डिग्री मैं मान लेता हूँ, देख लेना यदि 30 होगा तो आप चेंज कर लेना, ठीक है। और एक वेक्टर क्या है सी है जो y एक्सिस के अलावा। आपको क्या करना है कंपोनेंट निकालना है। तो चलो हम क्या करें x, याद रखना है कि जिस x कंपोनेंट निकालना है तो पहले क्या देखना है कि उस वेक्टर का x एक्सिस साथ इंक्लाइनेशन क्या है। जैसे ही आपको इंक्लाइनेशन मालूम चल गया तो x कंपोनेंट इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू क्या होगा cos ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। तो अब मैं यहां डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, देखो ये एक्स, एक्स का मतलब क्या हुआ एक्स कंपोनेंट। अब देखो ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन क्या है, देखो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्या, इसका इंक्लाइनेशन क्या है जीरो है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू क्या होगा कॉस जीरो, आई मीन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए वाई लिखो, ए वाई क्या लिखोगे वेक्टर ए इनटू क्या लिखोगे साइन जीरो, तो ये कितना हो जाएगा जीरो। अब देखना कोई वेक्टर दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर उसका इफेक्ट ऑलवेज क्या होता है जीरो होता है। आप सिंपल एक फुटबॉल ले लो और फुटबॉल पे क्या करो नॉर्मली उसके सरफेस के परपेंडिकुलर क्या करो फोर्स अप्लाई करो, तो देखना फुटबॉल क्या होगा इधर मूव नहीं करेगा, वो क्या होगा कंप्रेस होगा मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आप उसके सरफेस पे क्या है नॉर्मली फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो। यही मान लो कि क्या है ऐसे मान लो कि यही फुटबॉल है और हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा जीरो होगा, इसलिए ये मूव नहीं करेगा केवल क्या होगा कंप्रेस हो सकता है। तो यहां देखो कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। तो क्या होगा किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर उसका कंपोनेंट उसका इफेक्ट उसका प्रोजेक्शन क्या होगा जीरो होगा। समझ में आया क्या, क्या होगा उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बाद में हम लिखेंगे इसको। तो देखो ए एक्स मालूम चल गया ए वाई मालूम चल गया, उसी तरह अभी हम क्या लिखेंगे बी एक्स,
bx देखो वेक्टर b का x एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू cos 60 और ये कितना हो जाएगा by कितना हो जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह by मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू sin क्या होगा 60, आई मीन क्या हुआ b, आई मीन √3 क्या होगा √3 by 2 इनटू क्या हो गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वेक्टर c x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। अब देखो वेक्टर c का x एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन कितना है 90 डिग्री है, तो c इनटू cos 90 आई मीन क्या हो गया 0, तो c y इज इक्वल टू क्या हो गया c इनटू sin 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब हमने क्या किया, तीनों जो वेक्टर हैं उनका कंपोनेंट हमने क्या किया आसानी से क्या किया कैलकुलेट कर लिया, क्या किया हमने आसानी से उनका कंपोनेंट कैलकुलेट। अब मुझे क्या करना है वेक्टर ए को कंपोनेंट के टर्म में लिखना है, तो देखो तो क्या लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा एक्स आई कैप प्लस क्या होगा ए वाई जी कैप, तो क्या लिखेंगे एक्स, एक्स कितना दिया हुआ है ए आई कैप प्लस क्या हो जाएगा ए सॉरी जीरो इंटू क्या होगा जी कैप, आई मीन क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए आई कैप, ठीक है। उसी तरह हम लिख सकते हैं वेक्टर बी, बताओ क्या होगा वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस क्या होगा बी वाई जी कैप प्लस बी जेड क्या होगा के कैप, तो ये क्या लिखेंगे बी एक्स, देखो तो ये जेड के कैप जीरो है उसको हटा दो, तो बी एक्स कितना है बी बाई क्या है टू है, तो बी बाई टू इंटू आई कैप प्लस रूट थ्री बी बाई टू इंटू क्या है जी कैप, तो हम लिख सकते हैं बी बाई टू इंटू आई कैप प्लस क्या होगा रूट थ्री जी कैप, तो ये वेक्टर क्या हो गया बी। तो हमने देखो कंपोनेंट के टर्म में क्या किया लिख दिया, ठीक है। उसी तरह हम सिमिलरली लिख सकते हैं सिमिलरली वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी एक्स आई कैप प्लस क्या होगा सी वाई क्या होगा जे कैप, सी एक्स एक्स कंपोनेंट कितना है देखो तो जीरो है, तो जीरो इंटू आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट कितना है सी है तो सी जे कैप, तो यहाँ वेक्टर सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी इंटू क्या होगा जे कैप। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमने हम कंपोनेंट कैसे किसी भी वेक्टर का क्या कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट। अब आपसे कोई पूछ भी सकता है यहाँ कि यदि कंपोनेंट दिया हुआ है आई मीन वेक्टर दिया हुआ है तो उनको ऐड करो, तो बाद में हम देखते हैं कि हम बाद में ऐड करेंगे कैसे करेंगे। इसके बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि आपको कंपोनेंट समझ में आ जाए। तो क्या करना है कंपोनेंट में, कंपोनेंट लिखने वक्त आपको क्या करना है एक्स एक्सिस साथ उसका एंगल देख लो और एक्स कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा लिखो, वाई कंपोनेंट क्या करो मैग्नीट्यूड इंटू क्या करो मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा लिखो। अब एक एग्जांपल देखो, ये दिया हुआ है ये क्या है ये वेक्टर ए दिया हुआ है वेक्टर बी दिया हुआ है वेक्टर सी दिया हुआ है और वेक्टर क्या है डी दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि सब क्या है आपको ये मालूम चल रहा है कि देखो किसी फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है डी वेक्टर आई मीन लास्ट वेक्टर के हेड से क्या है कनेक्टेड है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा जीरो होगा। आई मीन आपने को क्या प्रूव करना है, देखो यहाँ दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इक्वल टू हमने पी मान लिया, तो आपको प्रूव कर देना है प्रूव दैट बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड। आपको तो ये दिख रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि किसी वेक्टर को फर्स्ट कंसीडर करो तो फर्स्ट वेक्टर का हेड सॉरी फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है वो लास्ट वेक्टर के हेड से क्या है कनेक्टेड है, तो इसलिए रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। लेकिन आपने को ये प्रूव कर देना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, ये प्रूव करना है बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड। क्या है बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड आपको क्या करना है ये प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे कि सबको क्या करेंगे
देखो कैसे है, यदि आप कंपोनेंट रिजल्व करो तो पहले क्या करो, एक जगह सभी वेक्टर को लिख डालो। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ देखो कैसे लिखता हूँ, ये एक्स एक्सिस हमने मान लिया, ये क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज क्या होगा जेड एक्सिस, सॉरी वाई डैश, दिस इज क्या होगा एक्स डैश, ठीक है। तो वेक्टर ए हमने लिखा, देखो यहाँ से यही ओरिजिन है, सबको कनेक्ट कर दिया, ए वेक्टर क्या है, ए है, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी है, बी इस पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो बी वेक्टर ऑब्वियसली किधर होगा, परपेंडिकुलर है और ऊपर है, तो यही क्या हो गया बी वेक्टर हो गया। सी वेक्टर किधर है, ए के अपोजिट है, एक ही जगह से हमने क्या किया ज्वाइन कर देते हैं सी वेक्टर। और डी वेक्टर किधर है, ए पे परपेंडिकुलर है लेकिन डाउन है, तो हमने क्या किया दिखा दिया यार। अब आपको देखो यहां से भी दिख रहा है कि एक वेक्टर, मान लो कि ये फोर्स है, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, कंपोनेंट यूज करके आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब हम एक्स कंपोनेंट लिखें तो देखो फटाफट लिख देंगे, ए एक्स कितना होगा, देखो तो एक्स ए एक्स कितना होगा, ए कॉस जीरो, आई मीन ए, ए वाई कितना होगा, अगेन जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए साइन क्या हो जाएगा साइन जीरो, तो आई मीन क्या हो जाएगा जी। सिमिलरली क्या होगा, क्या कैलकुलेट करना है आपको बी एक्स, आप आसानी से क्या करो बी एक्स कैलकुलेट करो, देखो बी एक्स तो बी एक्स कितना होगा, देखो बी कॉस ऑफ क्या होगा 90 डिग्री, आई मीन क्या हो गया जीरो, बी वाई कितना होगा बी साइन ऑफ क्या होगा 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बी सी एक्स, देखो तो सी एक्स का देखो तो एक्स कंपोनेंट, देखो ये वाला एंगल लेते हैं हम, चाहे एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिखें माइनस क्या होगा, ऐसे लिखें क्या कि सी, ठीक है, कॉस ऑफ क्या लिखेंगे 180, तो क्या हो जाएगा माइनस सी, सी वाई अगेन क्या हो जाएगा जीरो। सिमिलरली हम लिख सकते हैं डी एक्स, डी एक्स क्या होगा डी कॉस 90 इक्वल टू क्या होगा जीरो, डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी साइन ऑफ क्या लिखेंगे माइनस 90, ऐसे भी लिख सकते हो, तो माइनस क्या हो जाएगा डी, ठीक है। अब सभी वेक्टर क्या हुए, अब देखो कंपोनेंट हमने क्या किया, सभी वेक्टर का लिख दिया, क्या किया हमने सभी वेक्टर का हमने कंपोनेंट लिख दिया। अब हम लिखेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस क्या होगा ई वाई जे कैप, ए कितना हो जाएगा ए आई कैप, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू सिमिलरली लिखोगे तो क्या होगा बी जे कैप, सी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे तो सी माइनस आई कैप, डी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे तो डी इंटू क्या लिखोगे माइनस जे कैप। अब सबको सम लिखो तो वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए प्लस क्या होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इंटू क्या हो गया, सॉरी गलत लिख दिया है ना, तो ए माइनस सी इंटू आई कैप प्लस क्या होगा बी माइनस डी इंटू क्या हो गया जी। अब तो ये दिया हुआ है, ये जीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो गया जीरो हो गया, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो हो गया, ठीक है, क्या हो गया जीरो हो गया। तो उसी तरह देखो ये एच सी वर्मा का भी क्वेश्चन है ना, आपको एच सी वर्मा का भी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, है ना। देखो क्या दिया है कि इरेगुलर हेक्सागन, ठीक है, ये क्या है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई और दिस इज वेक्टर क्या है
ठीक है क्या है, और यहाँ दिया हुआ है क्या है, रेगुलर क्या है, हेक्सागन है, क्या है, हेक्सागन। तो रेगुलर आई मीन क्या है, ये सभी का जो लेंथ है वो क्या है, सेम। ये एचसीबी का क्वेश्चन है, और मुझे याद नहीं है कि कितना नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ये तो सबका है, तो आपको प्रूफ करना है बाई क्या होगा, बाई यूजिंग, क्या होगा, यूजिंग कंपोनेंट मेथड प्रूफ दैट। देखो ये लिख देता हूँ, ये 60 डिग्री होगा, आई मीन प्रूफ दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या होगा जी। आपको क्या करना है, ए इसको प्रूफ करना है, ठीक है, क्या करना है आपको प्रूफ करना है, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना तुम लोग खुद से। तो यहाँ आपको नोट में दो पॉइंट लिखना है कि जो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। तो आई मीन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं, पहले यहाँ नोट में लिखो, दो पॉइंट लिख लेना कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, along the vector itself is always equal to magnitude of क्या होगा वेक्टर। जैसे देखो ये वेक्टर दिया हुआ है, ऐसे ये वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ, इधर ये बी मान लो, तो इधर हम यदि एक्स एक्सिस मान लें और इधर क्या लिख लें, वाई एक्सिस। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ए एक्स, एक्स का मतलब क्या, एक्स कंपोनेंट किधर है, वेक्टर के अलोंग, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी वाई इक्वल टू सिंपल क्या हो जाएगा, बी। यही मेरा मानना है। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द वेक्टर इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द क्या होगा, वेक्टर, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो लिखना है कि कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर क्या होगा, एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, टू द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इज ऑलवेज क्या होगा, इज या विल बी ऑलवेज आई मीन क्या होगा, किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो। जैसे देखो यही मैंने क्या मान लिया, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, हमने वेक्टर ऐसे लिख दिया ए, और एक वेक्टर इधर हमने मान लिया बी। तो देखो ए वाई इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई किधर है, वाई एक्सिस किधर है, वेक्टर ए पे क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ए पे परपेंडिकुलर, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। उसी तरह हम लिख सकते हैं कि बी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर जो इफेक्ट होता है, जो कंपोनेंट होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। द कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर इटसेल्फ ऑलवेज क्या होगा, जीरो। व्हाइल द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। ये चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप कंपोनेंट पे और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब देखो यहां ध्यान देना है आपको, क्या है कि आपसे पूछा जाए
कि अब देखो क्या है, इफ क्या दिया हुआ है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, अब देखो मैं थ्री कंपोनेंट कंसीडर कर लेता हूँ, वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया रहेगा, ए एक्स, आई कैप प्लस क्या होगा ए वाई, क्या होगा जे कैप प्लस क्या हो जाएगा ए जे के कैप। याद रखना मैंने बताया भी था ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये क्या होता है जेड एक्सिस, इधर यूनिट वेक्टर क्या होगा आई कैप, इधर क्या होगा जे कैप और इधर क्या होता है के कैप। तो अभी उसी तरह क्या है कि वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस क्या है बी वाई जे कैप प्लस क्या है बी जेड के कैप। तो हम लिख सकते हैं देन टेन ए प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या होगा, देखो ए एक्स आई कैप प्लस क्या होगा ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप प्लस क्या होगा बी एक्स आई कैप प्लस क्या होगा बी वाई जे कैप प्लस बी जेड क्या होगा के कैप इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस क्या होगा ए वाई प्लस बी वाई क्या होगा जे कैप प्लस ए जेड प्लस क्या होगा बी जेड क्या होगा। तो ये है सिंपल, हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सिग्मा एक्स कंपोनेंट इनटू क्या होगा इनटू आई कैप प्लस क्या होगा सिग्मा वाई कंपोनेंट इनटू क्या लिख सकते हैं जे कैप प्लस क्या लिख सकते हैं सिग्मा जेड जेड कंपोनेंट इनटू क्या लिख सकते हैं। तो यही क्या मिल जाएगा वेक्टर आर, इसी को रिजल्टेंट बोलते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या होगा। तो हम इस रिजल्ट को भी यूज करते हैं जब कब, जब वेक्टर क्या हो कंपोनेंट के टर्म में दिया हुआ हो, तब आप इससे लिख करके रिजल्टेंट लिख सकते हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी, यहाँ से आपसे कोई पूछे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, देखो आर आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस क्या होगा प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जेड कंपोनेंट स्क्वायर। ठीक है, यही क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे एक एग्जांपल देखो, तो ये आप ध्यान देना कि ऐड कैसे करते हैं, जैसे देखो कि इफ क्या है इफ ए वेक्टर इक्वल टू टू आई प्लस क्या दिया हुआ है थ्री जे प्लस फोर के और बी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई प्लस फाइव जे प्लस क्या है फोर। ठीक है, देन क्या है देन फाइंड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बी में क्या है ए माइनस बी का क्या करना है मैग्नीट्यूड, दोनों मैंने लिख दिया। ठीक है, ए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब पहले हम क्या लिख दें ए प्लस बी लिख दें, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा देखो टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस क्या होगा फोर के कैप प्लस क्या लिखेंगे प्लस थ्री आई कैप प्लस क्या होगा फाइव जे कैप प्लस फोर के कैप, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा i वाले को एक साथ, तो 5i कैप प्लस कितना हो जाएगा 8j कैप प्लस कितना हो जाएगा 8। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 64 प्लस क्या हो जाएगा 64 आई मीन कितना हुआ 25 प्लस 128। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो 135 ये क्या हुआ यूनिट। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली देखो सिमिलरली आप लिख सकते हो कि a माइनस बी, देखो क्या लिख रहे हैं a माइनस बी, तो आप सबट्रैक्ट करो a माइनस बी तो कितना हो जाएगा माइनस आई कैप
माइनस कितना हो जाएगा, माइनस टू जे कैप प्लस आई मीन जे टू कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस फोर आई मीन कितना हो जाएगा, रूट फाइव। ठीक है, क्या हुआ, रूट फाइव यूनिट होगा। अब आपसे कोई पूछे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वेक्टर आई मीन सम ऑफ वेक्टर लिखो, तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, आप लिखना, लिख के खुद से ट्राई करना कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तीन थ्री फोर लॉ होते हैं, तो एडिशन ऑफ वेक्टर इसको फॉलो करता है या नहीं करता है, ये आपको खुद से प्रूव करना है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ आप जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आप जानते हैं, जो आप 10th क्लास 9th क्लास 8th 7th 8th में भी पढ़े हैं कि मैथ्स के लिए हम उसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तेरा कि कोई भी यदि आपको क्या दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है किसके टर्म में, कंपोनेंट के टर्म में। अब हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, आई मीन क्या है यदि पोजीशन वेक्टर, तो हम अगला क्या लिखेंगे कि पोजीशन पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे। जैसे देखो ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या हुआ, जेड एक्सिस। देखो बेसिकली ये जेड एक्सिस ऐसे लिखते हैं, लेकिन जेड एक्सिस क्या होगा, ऐसे होगा, समझ रहे हो ना, लेकिन हम बोर्ड पे दिखा नहीं सकते। अब क्या है, एक कोई क्या है पॉइंट है, ये पॉइंट पी है जिसका क्वाड्रेंट क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई कॉमा क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, कुछ भी दिया जा सकता है, यही ओरिजिन है। तो आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है। देखो तो इसका पोजीशन क्या होगा, उसी तरह एक पॉइंट क्या है, क्यू है, इसका मान लो कि क्या दिया हुआ है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री ऐसे दिया हुआ है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये तो हम इसको लिख सकते हैं आर ओ पी, ऐसे लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या होगा, पी इज इक्वल टू हमने क्या माना, आर ओ पी। अब देखो आर ओ पी कैसे लिखेंगे, आर ओ पी ओ टू पी, तो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, वाई जे कैप प्लस क्या होगा, जेड क्या होगा, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो या रहने दो ऐसे ही, ठीक है, तो आर ओ पी मिल गया। ये क्या है, पोजीशन ऑफ क्या हुआ, पी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हुआ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू आई मीन क्या है, ओरिजिन ओ टू पी। ठीक है, पी का जो पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम ए, ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, या ऐसे आप कहीं कंफ्यूज हो जाओगे तो पी ओ ऐसे लिखोगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, पोजीशन पोजीशन ऑफ क्या होगा, पी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हुआ, तो कुछ नहीं करना है, एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप प्लस क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट इंटू क्या है, ठीक है, उसके बाद आप मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो आपको कोई पूछे कि पोजीशन वेक्टर क्या है, आर क्यू ओ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर आप क्या लिखेंगे, तो देखो तो क्या लिखेंगे, वन इंटू आई कैप प्लस क्या लिखेंगे, टू इंटू जे कैप प्लस थ्री इंटू क्या लिखेंगे, तो आर क्यू ओ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस क्या होगा, थ्री के, तो दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, पोजीशन है ना, पोजीशन वेक्टर वेक्टर ऑफ क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या है, क्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या हुआ। दूसरा एग्जांपल देखो, ऐसे सोचा जाए कि वाई एक्स, ये पॉइंट क्या है, पी है, और ये पॉइंट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, देखो वेक्टर से भी हम सोचेंगे तो लिख सकते हैं ऐसे, इसमें रिजल्टेंट क्या होगा आप भी बता सकते हो, रिजल्टेंट क्या होगा, क्या होगा, देखो इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखूं
एक्स आई वाई आई जेड आई, इसका कोऑर्डिनेट लिखें एक्स एफ वाई एफ और ये क्या होगा जेड एफ, ठीक है। अब ओपी वेक्टर लिखो, देखो तो ओपी ओपी वेक्टर क्या होगा बताओ, क्या होगा एक्स आई आई कैप प्लस क्या होगा वाई वाई आई वाई आई जे कैप प्लस क्या होगा जेड आई क्या होगा के। आई स्टैंड फॉर इनिशियल, ठीक है, और ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा एक्स एफ आई कैप प्लस क्या होगा वाई आई क्या होगा जे कैप प्लस क्या होगा जेड आई क्या होगा के। एक मेथड ये भी है, देखो क्या करना है, एक तो वेक्टर एडिशन से लिख सकते हो कि ओ क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो ओ पी वैक्टर प्लस क्या लिखोगे पी क्यू वैक्टर, तो यहाँ से ओ क्यू वैक्टर मालूम चल जाएगा। ओ पी वैक्टर कितना होगा देखो, तो मुझे क्या निकालना है पी क्यू वैक्टर, तो पी क्यू वैक्टर इक्वल टू क्या होगा ओ क्यू वैक्टर माइनस क्या हो जाएगा ओ पी वैक्टर। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स आई एफ माइनस क्या होगा एक्स आई इंटू आई कैप प्लस क्या होगा वाई एफ माइनस वाई आई इंटू क्या होगा जे कैप प्लस जेड एफ माइनस क्या होगा जेड आई इंटू क्या होगा, तो ये क्या हो गया आपका पी क्यू वेक्टर। तो यदि ऐसे दिया हुआ, देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये क्या है पी और क्यू पॉइंट दिया हुआ है, इसका एक्स आई वाई आई जेड आई है ना, इसको एक्स एफ वाई एफ और ये क्या है जेड एफ, तो डायरेक्ट यदि पी क्यू वैक्टर लिखना है तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई इंटू क्या होगा आई कैप प्लस क्या होगा वाई एफ माइनस वाई जे वाई एफ माइनस वाई जे कैप प्लस क्या लिखेंगे जेड एफ माइनस जेड आई इंटू क्या लिखेंगे। रहा कि यदि आपको पोजीशन वेक्टर लिखना हो या दो पॉइंट दिए हुए हैं तो वेक्टर लिखना हो तो हम ऐसे क्या करते हैं लिखते हैं कि यही देखो ये क्या है पी पॉइंट है और ये क्यू है, तो फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अगले क्लास में, हम आई थिंक पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा वैक्टर, क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू।